हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल यामीवाइब्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय रिव्यू अबाउट दिस मिनिमलिस्ट फेस वॉश। तो गाइस आज मैं इसी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना रिव्यू विद दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइज। So here I'm having this product guys, Minimalist Salicylic Acid plus LHA 0-2% Cleanser। ये आ जाता है ओट्स एक्सट्रैक्ट्स प्लस जिंक प्लस एलेंटोइन के साथ। इट रिड्यूसेस सेबम एंड एक्ने एंड ये ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ml की एंड इसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज़ का। आई बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है एंड ये डबल पैकेजिंग में आता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। गाइज यहाँ पे बताया किस तरह से यूज़ करना है, किसके साथ कैसे वर्क करेगा और यहाँ पर बताया गया है कि ये क्यों स्पेशल है, ये किस तरह से वर्क करता है और इसके स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मैं आपको इसे पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पर। वाइट स्पेशल सैलिसिलिक एसिड BHA पेनिट्रेट्स डीप इनटू द स्किन एंड स्कूप आउट डर्ट एंड सेबम हैंस रिड्यूसिंग एक्ने। तो जो सैलिसिलिक एसिड है वो आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करता है, ठीक है। डर्ट को रिड्यूस करता है, सेबम को रिड्यूस करता है एंड एक्ने को रिड्यूस करता है। LHA स्टेज ऑन आउटर लेयर ऑफ द स्किन एंड प्रोवाइड्स जेंटल एक्सफोलिएशन एंड LHA आपकी ऊपरी स्किन को साफ करता है। रिड्यूसेस सेबम एंड प्रिवेंट एक्ने ब्रेकआउट्स। तो ये आपकी स्किन से सेबम को रिड्यूस करता है एंड आपकी स्किन को बचाता है एक्ने से और ब्रेकआउट से। प्रोवाइड्स जेंटल क्लेंजिंग विदाउट ड्राइंग स्किन, बिना उसे ड्राई किए आपकी स्किन को अच्छे से साफ करता है। एक्सफोलिएट्स एंड अनक्लॉग पोर्स, स्किन को अच्छे से साफ करता है एंड क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग करता है। स्पेसिफिकेशंस बता देती हूँ मैं आपको। हीरो इंग्रेडिएंट इसमें है सैलिसिलिक एसिड, फ्री फ्रॉम है फ्रेग्रेंस, सिलिकॉन्स, पैराबेन, सल्फेट, डाइज एंड एसेंशियल ऑयल्स। टेस्ट डन, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये सेफ टू यूज एंड नॉन इरिटेंट प्रोडक्ट है। इसका जो pH लेवल है वो है 4.5 to 5.5। नेक्स्ट दे आर मेंशन हियर हाउ टू यूज, वेयर इट फिट्स इन योर रूटीन। सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड से क्लीन कर लेना है फेस को, फिर टोनिंग करनी है, फिर सीरम अप्लाई करना है, फिर मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। इस तरह से आपको डे में यूज करना है एंड नाइट में आपको मॉइस्चराइजर लगाकर सो जाना है बस, ठीक है। सनस्क्रीन यूज नहीं करना नाइट में। फिर यहाँ पर है वर्क्स बेस्ट विद, और यहाँ पर आपको 2 सरम्स रेकमेंड किए गए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। और ऐसा नहीं है सिर्फ इस पे किए जाते हैं, आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है। फॉर पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स के लिए इसमें ट्रांसेमिक 3% सीरम है। आई होप आई एम नॉट मिस प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, और अगर कर रही हूँ तो प्लीज मुझे बता देना। एंड फॉर सेबम एंड एक्ने कंट्रोल के लिए नाइसिनामाइड 10% सीरम मेंशन किया। यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम लास्ट 2 months एंड मैं मिनिमलिस्ट के काफ़ी प्रोडक्ट्स ट्राई कर चुकी हूँ और काफ़ी शेयर भी कर चुकी हूँ आपके साथ उनका रिव्यू। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। गाइज आई ऑल्सो ट्राइड अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेस क्लेंजर्स एंड फेस वॉशेज फॉर माई स्किन, बट नथिंग कैन बीट दिस मिनिमलिस्ट क्लेंजर बिकॉज इट्स रियली वर्क सो वेल फॉर योर स्किन। खासकर कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। गाइज दिस इज लिटरली गुड। इफ यू आर हैविंग ऑयली स्किन देन आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फॉर यू गाइज। सो गाइज मैंने मिनिमलिस्ट के बहुत से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और मुझे बहुत पसंद भी आए हैं। सनस्क्रीन यूज कर चुकी हूँ, लिप बाम यूज कर चुकी हूँ, उसका रिव्यू भी कर चुकी हूँ, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड हाइलुरोनिक एसिड भी यूज कर चुकी हूँ। अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। गाइस मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। ये डबल पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हो वीडियो में। इसमें इसके अंदर एक और पैकेजिंग होती है और काफ़ी सिक्योरली इसे पैक किया जाता है। हर एक प्रोडक्ट में ये डबल पैकेजिंग में ही आते हैं ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। और सी ये है प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। एंड सी इस तरह का ये क्लेंजर है एंड इस तरह की बॉटल में आता है एंड यहाँ से इसकी कैप ओपन होती है, इस तरह से आप देख सकते हो। गाइज दीज मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट्स आर रियली गुड एंड इनकी पैकेजिंग भी डबल होती है एंड बहुत सिक्योरली अपने प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं। सो गाइज अब इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इसके जो बेनिफिट्स है ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए बेस्ट फेस वॉश होने वाला है, ठीक है। तो ये वर्क किस तरह से करता है, ये आपकी स्किन से सेबम को रिड्यूस करता है, ठीक है। एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है आपकी स्किन से। ये जो फेस वॉश है ये ऑयली स्किन वालों के लिए एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए, ठीक है। और वो कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। आपकी ऑयली स्किन है एंड आप इसे यूज कर रहे हो तो ये आपकी स्किन में एक्ने को नहीं बिल्ड होने देगा, ठीक है। आपके एक्ने नहीं होंगे, इससे वो रिड्यूस कर देता है ऑयल को, ठीक है, जिसकी वजह से एक्ने बनते हैं, ठीक है। और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और अगर आपको ऑलरेडी एक्ने हो चुके हैं तो सिर्फ ये फेस वॉश वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, एक प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए जो कि आपको डर्माटोलॉजिस्ट ही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी एक जेल मैंने सजेस्ट किया है, सेबोजेल करके है वो, और उसका रिव्यू मैं कर चुकी हूँ हूँ। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो उसका रिव्यू, ठीक है। तो वो जेल भी काफ़ी अच्छा है आपके एक्ने को ट्रीट करने के लिए। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने प्रॉब्लम तो आप उसे यूज़ करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने डर्माटोलॉजिस्ट से हमेशा कंसल्ट करें जब भी आपको एक्ने की दिक्कत हो, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं कंसल्ट एक बार डर्माटोलॉजिस्ट से तो सीबोजेल बहुत अच्छा है। आई ऑलवेज रिकमेंड कि फर्स्ट कंसल्ट विद योर डर्माटोलॉजिस्ट, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो एक बार ब्लड टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है गाइज। तो गाइज ओवरऑल दिस प्रोडक्ट इज़ रियली गुड एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरी वन जिनकी भी ऑयली स्किन है एंड एक्ने प्रोन स्किन है। समर्स के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप डेफिनेटली ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको इसे दिन में 3 बार यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ किस तरह से करना है सब कुछ इसके पैकेजिंग पर मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे तो बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट मिनिमलिस्ट का एंड आई डेफिनेटली गोना रीपर्चेज इट अगेन एंड आई होप कि आपको भी पसंद आएगा आफ्टर वॉचिंग दिस रिव्यू। सो गाइज ओवरऑल द प्रोडक्ट इज़ गुड एंड आप भी बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। सो सी गाइज आप देख सकते हैं जेल बेस्ड क्लेंसर है ये, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए रिकमेंडेड होता है हमेशा एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी माइल्ड है एंड आपका ये प्रोडक्ट 1 से 1.5 महीना आराम से चल सकता है। ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट गाइज, आई होप यू लाइक इट, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। सो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ गाइज, बाय।